फ़ोटोज़ और वीडियोस रखने के लिए मोबाइल में ऐसी कौन सी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे हम अपनी फ़ोटोज़ और अपनी वीडियोस रखें और किसी को पता भी ना चले? ऐसी कोई एप्लीकेशन है? बिल्कुल, प्ले स्टोर पे ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं। डिफरेंट वॉल्ट्स हैं, हाइट, SMS, पिक्चर्स और मैसेजेस के नाम से काफ़ी सारे वॉल्ट्स हैं, लेकिन जब आप वो डाउनलोड करते हैं तो उनके नीचे लिखा हुआ होता है, जिस तरह से ये मेरे पास आइकन शो हो रहे हैं, फ़ोन मैनेजर, थीम, इसी तरह उन पर नीचे लिखा होता है वॉल्ट। तो जो बंदा आपकी एप्लीकेशन में देखता है उसे नज़र आया था कि भाई ये वॉल्ट है। अब ऐसी कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें हम अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी रख लें और किसी को पता भी ना चले कि ये वॉल्ट है? क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है? तो जी बिल्कुल, ऐसी एप्लीकेशन आपके इस प्ले स्टोर पर मौजूद है, और आपने प्ले स्टोर पर यहाँ पर क्लॉक लिखना है और आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगी, ये फोर्थ वन जो है क्लॉक द वॉल्ट, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक क्लॉक शो होगी जो आज की डेट और आज का टाइम बता रही है, सैटरडे नवंबर 17। अब हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड किस तरह से सेट होगा? हमने इस बार को पकड़ना है और ये नीचे जो 456 लिखा हुआ है, मैं इसको आप किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे 10 पे सेट कर दिया, 10 पे सेट करके मैंने ये बीच में बटन दबाया, सेंटर वाला, ये जो क्लॉक का बना हुआ है बीच में, ये दबा के इसको दोबारा मैंने पासवर्ड रीसेट किया, मतलब 10 पे दोबारा, और दोबारा मैंने ये बीच वाला बटन दबा दिया। अब ये था मेरा पासवर्ड, ये जो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ईमेल चाहिए, जो मैंने ईमेल लिखनी है अपने पासवर्ड को रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ, और वो लिखने के बाद इसको मैं फिनिश सेटअप पर कर देता हूँ। अब ये मेरा वॉल्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैंने इसमें फाइल्स ऐड करनी है और पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं इसमें मैं ऐड कर दूंगा और ये सारी मेरी वॉल्ट में आ जाएंगी चीज़ें, जिस तरह से मैं इसको ओपन पिक्चर सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद जो ऊपर लॉक का निशान है इस पर क्लिक करके, अब ये फोल्डर्स हैं, कौन से फोल्डर में करनी है पिक्चर्स है तो मैं पिक्चर्स में कर देता हूँ। अब ये मेरी जो फ़ोटोज़ हैं ये वॉल्ट में मूव हो गई हैं, और देखें यहाँ से गायब हो गई, अब ये मेरी पिक्चर्स वॉल्ट में आ गई हैं। अब आप जब इसको बैक करेंगे तो आपने दोबारा क्लॉक ओपन करनी है। अब देखें यहाँ पे आइकन शो हो रहा है क्लॉक का, किसी को कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वॉल्ट हो सकता है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो तब भी आपके सामने टाइम ही शो होगा, ये क्लॉक ही शो होगी, यहाँ ऊपर से अलार्म भी लगता है प्रॉपर, एक ये क्लॉक है और क्लॉक के अंदर वॉल्ट है। अब देखें टाइम शो हो रहा है, और आपने आप वॉल्ट को ओपन करने के लिए क्या करना है, ये जो क्लॉक के बीच वाला ये जो एरिया है इसको आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया। अब जो आपने पासवर्ड सेट किया था इसको आप उस पासवर्ड पे करेंगे 10 पे करके दोबारा ये सेंटर में प्रेस करेंगे तो आपका वॉल्ट ओपन हो जाएगा। तो ये था जी एप्लीकेशन अपनी, इसको पिक्चर्स और वीडियोस को हाइड करने के लिए। ये पिक्चर्स अब जो मैंने इसमें डाली थी, ये पिक्चर्स मेरे सामने आ गई, और यहाँ से जो बाकी वीडियोज़ हैं ये वीडियोज़ भी मैं इसी तरह बिल्कुल इसी प्रोसेस से कॉपी कर सकता हूँ, और कुछ और अदर फाइल्स जो हैं वो भी यहाँ मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है, और फ़ोन में सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से। अभी तक जितने भी मुझे वॉल्ट मिले उनमें सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ये है। एनक्यू वॉल्ट एक है, वो भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, उसके मैं प्रोसेस बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके नीचे भी लिखा हुआ आता है कि ये वॉल्ट है, वॉल्ट हाइड SMS वीडियोज़, इस तरह का नीचे शो होता है, जिस तरह से हर एप्लीकेशन का नाम शो होता है। तो ये इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये क्लॉक है, और इसका जो पासवर्ड है वो बहुत यूनिक किस्म का पासवर्ड है। इस तरह आप करें 10 पे ऐसे करें और यहाँ दोबारा क्लिक करें, 3 अटैम्प्ट इसमें होती हैं, अगर 3 अटैम्प्ट किसी ने गलत कर दी तो फिर आपको अपनी ईमेल आईडी से ऐसे लॉगिन करना पड़ता है। तो ये 10 पे करके मैंने कर दिया। ऐप प्रोटेक्शन, अब यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके स्टार्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो कोई भी बंदा इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता एप्लीकेशन को, मतलब है कि ये अब मैंने आई एग्री कर दिया, वॉल्ट यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, अब इसकी प्रोटेक्शन इनेबल होगी। अब देखें ये है, ये ऊपर अनइंस्टॉल है, मैं अनइंस्टॉल करूंगा, यू मस्ट डिसएसोसिएट इट, अलाउ द एप्लीकेशन डिसएसोसिएट अनइंस्टॉल, ठीक है। अब आप इसको अलाउ करेंगे सेटिंग में जाके तो फिर ये जाके अनइंस्टॉल होगी, वरना दूसरी कोई एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको वॉल्ट के बारे में बताया कि क्लॉक है, इसमें आप अपनी फ़ोटोज़ रख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से इसका पासवर्ड लगता है, सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया इसका, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं, इसके क्या फीचर हैं, किस तरह से ये वर्क करती है।
और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, एप्लीकेशन पसंद आए तो, अगर नहीं आया तो बेशक मत कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे जा जाता हूँ, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा।